हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूज़ कर रहे हो 15.7.6 के नए अपडेट को अपने iPhone 6s पे, iPhone 7 पे और iPhone 7 Plus पे, तो इस iOS वर्जन पे हम YouTube में पिक्चर इन पिक्चर मोड को कैसे इनेबल कर सकते हैं, ताकि आप अपने iPhone में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और साथ ही साथ आप अपने YouTube वीडियोस को भी PIP मोड में प्ले कर सको। एक टाइम के ऊपर आप दो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सको और आप अपनी वीडियोस को बैकग्राउंड में भी प्ले कर सकोगे। सो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज के इस वीडियो को, कैसे हम पिक्चर इन पिक्चर मोड में वीडियोस को प्ले कर सकते हैं S15.7.6 के अपडेट ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ iPhone 7 को और ये रन कर रहा है 15.7.6 के लेटेस्ट अपडेट पे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने ऐप स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एक्स ऐप। तो ये एप्लीकेशन आपको फ्रीली आपको देखने को मिल जाती है ऐप स्टोर पे, आप फ्री में इसे इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी ऐप पे, किसी भी आईफोन पे। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको अपनी यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको कोई एक पर्टिकुलर वीडियो को आपने सिलेक्ट करना है जिसको आप PIP मोड में प्ले करना चाहते हो। तो गाइज, मैंने इस वीडियो को PIP मोड में प्ले करना है। तो यहाँ पर आपको शेयर बटन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोर के ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन PIP मोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स वीडियो पिक्चर इन पिक्चर, इस ऑप्शन के ऊपर आपने टैप कर देना है। जैसे टैप कर दोगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगी, पिक्चर इन पिक्चर मोड की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। इस ऑप्शन के ऊपर आपने इसे टैप कर देना है। तो जैसे ही टैप करोगे आपकी अब ये वीडियो जो है वो PIP मोड में प्ले होना शुरू हो चुकी है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। मैं इसे हाइड भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्वाइप किया राइट साइड की ओर और ये वीडियो अपनी हाइड हो चुकी है। और अब मैं अपनी कोई भी दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकता हूँ और साथ ही साथ अपने इस वीडियो को भी वॉच कर सकता हूँ PIP मोड में, कुछ इस तरह से। आप इसके साइज़ को स्मॉल कर सकते हो, सिंपली आपको पिंच करना है और आपकी जो वीडियो है उसका साइज़ स्मॉल हो जाता है। अगर आपको बड़ा साइज़ करना है तो पिंच आउट करेंगे और आपकी वीडियो का साइज़ जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, कुछ इस तरह से। आप इस तरह से अपने YouTube PIP मोड को प्ले कर सकते हो अपने वीडियोस को अपने किसी भी आईफोन में S15.7.6 के नए अपडेट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।